हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बीए पार्ट सेकंड के रिसोर्स ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत डियर स्टूडेंट खाद्यान्न फसल चावल यानी राइस के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। डियर स्टूडेंट, खाद्यान्न फसलों में यदि हम देखें तो मुख्य रूप से गेहूँ है, चावल है, मक्का है, जो है ये मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलें हैं। चावल, गेहूं और मक्का जो प्रमुख है उसमें, ये विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या का भोजन डियर स्टूडेंट चावल है, और चावल मानसूनी जलवायु और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु का पौधा है। विश्व के समस्त चावल उत्पादन का लगभग 94% भाग एशिया में उत्पन्न होता है। चावल की प्रति हेक्टेयर उपज अन्य सब उपजों से अधिक होती है, इसलिए चावल सबसे अधिक जनसंख्या का भरण पोषण डियर स्टूडेंट करता है। इसके अतिरिक्त भविष्य के लिए भंडार का या कोठार में कई वर्षों तक इसको रखने का भी, धान या चावल खराब नहीं होता है। अधिक जनसंख्या को भोजन देने के विचार से चावल विश्व का महत्वपूर्ण खाद्यान्नों में से एक है, और विश्व की 50% जनसंख्या डियर स्टूडेंट ये भोजन है। चावल की किस्म की बात करें तो मुख्य रूप से डियर स्टूडेंट रंग, आकार, स्वाद इत्यादि की विभिन्नताओं के आधार पर चावल की लगभग 700 किस्में पाई जाती हैं। इनमें लगभग 100 प्रमुख हैं। चावल का जो विभिन्न क्षेत्रों चावल को उत्पादन के विचार से जो दो मुख्य किस्में से, पहाड़ी चावल इसे शुष्क चावल भी कहते हैं, और दूसरा दलदली चावल अथवा मैदानी चावल, इसे आर्द्र चावल भी डियर स्टूडेंट कहते हैं। पहाड़ी भागों में भूमि पर सीढ़ीदार खेत बनाकर ये बोया जाता है। हिमालय के ढालों पर इंडोनेशिया, जापान और चीन के पहाड़ी भागों में डियर स्टूडेंट मुख्य रूप से इसको उगाया जाता है। दूसरी ओर मैदानी या दलदली चावल विश्व में अधिक बोया जाता है, और 80% से अधिक चावल समतल भूमि पर जल भरकर अथवा जल भरे छिछले खेतों में बोया जाता है, और इस प्रकार के खेत बनाए जाते हैं कि उनमें जल आवश्यकता अनुसार भरा या निकाला जा सकता है। चावल बोने की जो विधि डियर स्टूडेंट, बिखेर कर बोने की विधि, और दूसरा रोप कर या पौध लगाकर बोने की विधि है। एक है डियर स्टूडेंट छिड़क कर चावल बोने की विधि है। पहली विधि में धान को जल भरे खेत में बिखेरा जाता है, और ये बहुत ही कम उपजाऊ वाली फसल है। दूसरी में रोपण विधि है। जब पौधा 15 सेंटीमीटर तक हो जाता है तो उसे उखाड़ करके दूसरे खेतों में डियर स्टूडेंट सरमुखों की सहायता से बोया जाता है। तीसरी विधि में खेत को तैयार करके डिबलर की सहायता से निश्चित दूरी पर भूमि में छिद्र बना लिए जाते हैं। धान का एक एक या दो दो बीज डाल देते हैं। बीज डालने के बाद खेत को पानी से भर दिया जाता है, और वर्षा के पानी में भर दिया जाता है, और इस विधि से श्रम की आवश्यकता डियर स्टूडेंट अधिक पड़ती है। चावल की यदि हम भौगोलिक दशाओं की डियर स्टूडेंट बात करें तो तापक्रम है वो उष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके मुख्य रूप से देखें तो इसके लिए ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है। फसलों के उगते समय इसके औसतन तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, और बोते समय 18 डिग्री से 21 डिग्री तक होना चाहिए। 24 डिग्री से 27 डिग्री तक तापमान होना चाहिए। वर्षा धान की फसल के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। इसके कृषि वाले प्रदेश में मानसून का पर्दा होना चाहिए। मिट्टी डियर स्टूडेंट देख, वर्षा डियर स्टूडेंट 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा इसके लिए अनुकूल होती है। यदि 100 सेंटीमीटर से कम है तो सिंचाई द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है। चावल की कृषि के लिए डेल्टाई और बाढ़ प्रदेशों की मिट्टी बहुत उपयुक्त होती है। कांप तथा चीका प्रधान दोमट मिट्टियाँ बहुत अनुकूल होती हैं, क्योंकि इन मिट्टियों में जल को धारण किए रखने की क्षमता अधिक होती है। प्राय समतल भूमि होनी चाहिए इसके लिए, ढाल होनी चाहिए। जल निकालने और भरने के लिए उपयुक्त ढाल भी डियर स्टूडेंट आवश्यक होता है। सस्ता श्रम, धान की फसल के लिए मनुष्य इसके लिए सस्ते श्रम की भी डियर स्टूडेंट हमें आवश्यकता पड़ती है। मुख्य रूप से चावल की कृषि में बड़ी मशीनों का प्रयोग कम होता है, अतः सस्ता श्रम की आवश्यकता होती है।
चावल की प्रति की कृषि में प्रति एकड़ उपज गेहूं आदि की अपेक्षा अधिक होती है जो अधिक जनसंख्या का भरण पोषण कर सकती है। सघन जनसंख्या के क्षेत्रों में सस्ते श्रमिक आसानी से उपलब्ध होते हैं और मानसूनी प्रदेशों में अभी कृषि का वैज्ञानिकरण कम होने से एक कुशल श्रमिक इस कार्य को कर लेते हैं। चावल का विश्व व्यापार देखें डियर स्टूडेंट, तो मानसूनी प्रदेशों की फसल है इसलिए विश्व के उत्पादन का 90% भाग एशिया में उत्पन्न होता है। 95% चावल दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में होता है। केवल 5 देशों में अर्थात चीन, भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड और बांग्लादेश विश्व का 70% से अधिक चावल डियर स्टूडेंट उत्पादित करते हैं। चावल के मुख्य उत्पादक देशों में चीन है, तो डियर स्टूडेंट विश्व का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश चीन है। विश्व का लगभग 28% चावल उत्पन्न करता है और मुख्य खाद्यान्न फसल है यहाँ की। ये दक्षिणी चीन और मध्य चीन चावल के प्रधान उत्पादक है। यांग्सी टिकांग तथा सिक्यांग और उनकी सहायक नदियों की घाटियों और डेल्टाओं में विशेषकर जेचुआन प्रदेश तथा समुद्र तटीय पेटी में उसकी कृषि की जाती है। भारत में में जो चावल 21% विश्व का उत्पन्न किया जाता है। गंगा के निचले बेसिन में बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में डियर स्टूडेंट इसकी खेती की जाती है। इंडोनेशिया की बात करें तो चावल की अधिकतर खेती जावा द्वीप में डियर स्टूडेंट की जाती है। उसके अलावा बोर्निया, सुमात्रा और मदुरा द्वीप भी हैं। इस टेबल के माध्यम से डियर स्टूडेंट विश्व के चावल उत्पादक देश देखें तो हम चीन, भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार, फिलीपाइन, जापान, ब्राजील, पाकिस्तान और ये संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। 27% लगभग चीन करता है, 20 भारत है वो 20.7, इंडोनेशिया 10.7। इस प्रकार से प्रमुख उत्पादक देशों की लाख मीट्रिक टन में उत्पादन की एक सूची। लेकिन प्रति हेक्टेयर चावल की उपज की बात करें तो कोरिया मुख्य रूप से 6,997 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में उत्पादन करता है। बांग्लादेश की डियर स्टूडेंट बात करें तो चावल उत्पादन में 4.6% चावल विश्व का उत्पादन करता है। मुख्य इसका खाद्यान्न फसल है। बांग्लादेश में अधिक उपज का कारण अधिक वर्षा, उपजाऊ मिट्टी और सस्ता श्रम है। डियर स्टूडेंट चावल भंडार के देश चावल में थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को मानसूनी एशिया का चावल भंडार डियर स्टूडेंट कहा जाता है। फिलीपींस की भी ये डियर स्टूडेंट मुख्य फसल है। 50% भूमि पर चावल का उत्पादन किया जाता है। जापान का मुख्य खाद्यान्न फसल है। डियर स्टूडेंट कुशल श्रमिक, उर्वरकों का प्रयोग, मशीनों का प्रयोग, वैज्ञानिक ढंग से कृषि। जापान में प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक होती है। जापानी विधि के नाम से विख्यात है। दक्षिणी भाग में चावल अधिक उगाया जाता है डियर स्टूडेंट इनके। ब्राजील की बात करें तो विश्व का 1.5% चावल उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त पीरू, गयाना, इक्वेडोर तथा कोलंबिया में भी चावल की कृषि की जाती है। पाकिस्तान विश्व का 10वां बड़ा उत्पादक देश है और यहाँ पर पंजाब तथा फ्रंटियर प्रदेशों में उत्तम कोटि का बासमती चावल उत्पादन डियर स्टूडेंट किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 क्षेत्र हैं। दक्षिणी पूर्वी टेक्सास और दक्षिणी पश्चिमी लुइसियाना का समुद्र तट, मिसिसिपी राज्य का दक्षिणी भाग तथा पूर्वी अरकसास प्रदेश, कैलिफोर्निया में शेक्रोटोस घाटी। यहाँ पर चावल की कृषि मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है। चावल बोने से काटने एवं साफ होने तक का समस्त कार्य मशीनों से किया जाता है। कैलिफोर्निया में चावल सिंचाई से उत्पन्न किया जाता है। इसके अतिरिक्त श्रीलंका, संयुक्त अरब गणराज्य, इटली, ताइवान, मलेशिया, अजरबैजान तथा कजाकिस्तान में भी डियर चावल उत्पन्न किया जाता है। चावल का यदि व्यापार देखें डियर स्टूडेंट तो चावल के उत्पादन का 90% भाग स्थानीय खपत के रूप में होता है। चीन में संपूर्ण विश्व का लगभग 28% और भारत में विश्व का लगभग 21% चावल उत्पन्न होता है। परंतु इन दोनों देशों की जनसंख्या इतनी विशाल है कि ये देश अपनी खाद्यान्न पूर्ति के लिए दूसरे देशों से चावल मंगवाते हैं। घरेलू मांग से अधिक उत्पन्न होने के करने वाले देश म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया
अपने पड़ोसी देश अर्थात भारत, चीन, जापान, बांग्लादेश, मलेशिया आदि देशों को चावल भेजते हैं। यह व्यापार उत्पादन की मात्रा के अनुसार घटता बढ़ता रहा। दूसरी ओर इटली, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका से भी कुछ चावल इन देशों को भेजा जाता है। म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया के चावल का निर्यात व्यापार में मुख्य स्थान है। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, क्यूबा और जापान आयातक देश हैं। डियर स्टूडेंट, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, गयाना, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली प्रमुख डियर स्टूडेंट विश्व के निर्यातक देश हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट। निश्चित रूप से चावल की फसल आपको समझ में आई होगी, किस प्रकार से कौन सी भौगोलिक कंडीशंस होनी चाहिए, कौन कौन सी इसकी विधियाँ हैं बोने के, विश्व में कौन कौन से देश चावल का उत्पादन करते हैं, चावल का विश्व व्यापार क्या है, इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है। तो निश्चित रूप से डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।